कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि चुनावों में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी के प्रदर्शन में थोड़ी सी गिरावट रही है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन उनकी बुरी पराजय हुई और कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें ही हासिल हुई। दिल्ली के आगामी MCD चुनाव में वोटिंग EVM की बजाय बैलेट पेपर से कराई जा सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैलेट पेपर से MCD चुनाव कराने को लेकर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। पत्र में केजरीवाल ने मुख्य सचिव से कहा है कि वो दिल्ली चुनाव आयोग को बैलेट पेपर से चुनाव कराने के निर्देश दे और इस बार का MCD चुनाव EVM से नहीं होना चाहिए। पंजाब में वित्तीय समस्याओं का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री बनने जा रहे अमरिंदर सिंह ने मंगलवार को कहा कि मितव्ययिता उपाय के तहत शपथ ग्रहण समारोह बेहद सादगी भरा रखने का निर्णय किया गया है। गैंगरेप और यौन शोषण के आरोप में फरार चल रहे गायत्री प्रजापति को गिरफ्तार करने के लिए लखनऊ पुलिस व क्राइम ब्रांच ने मंगलवार सुबह अमेठी में छापा मारा। वहां पर प्रजापति तो नहीं मिले, लेकिन उन्हें शरण देने के आरोप में पुलिस ने उनके बेटे अनुराग व भतीजे अनिल को हिरासत में ले लिया है। पुलिस उन्हें लेकर लखनऊ चली गयी है। शत्रु संपत्ति संशोधन बिल यानी एनिमी प्रॉपर्टी अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास हो गया है। सदन में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बिल को लेकर हुई चर्चा में सदस्यों के सवालों का जवाब दिया। लंबी चर्चा के बाद लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने बिल को लेकर वोटिंग कराया, जिस पर सभी सदस्य सहमत हुए। भाजपा नेता मनोहर पर्रिकर ने मंगलवार शाम गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने गोवा के CM के रूप में पर्रिकर के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और 16 मार्च को सदन में शक्ति परीक्षण कराने का आदेश दिया। ऐसी खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने CIA को आतंकवादी समूह के खिलाफ ड्रोन हमले करने का अधिकार दे दिया है। यह निर्णय पाकिस्तान के लिए प्रभावी हो सकता है। यूरोपीय अदालत ने कंपनियों को मुस्लिम महिला कर्मचारियों के हिजाब पहनने पर रोक लगाने की पूरी छूट दी है। दुनिया भर में मुस्लिम महिलाओं के हिजाब पहनने के अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर छिड़ी बहस के बीच यूरोपीय अदालत का यह फैसला सामने आया है। यह अपनी तरह का पहला मामला है जिसमें अदालत ने महिलाओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने को जायज ठहराया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट गुरुवार को रांची के JSCA स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां एक बार फिर टर्निंग पिच देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो टॉस की भूमिका अहम साबित होगी। इस सीरीज में अब तक बल्लेबाजों के लिए मुश्किल पिचें मिली हैं, जहां खेल से ज्यादा पिचों का मिजाज चर्चा का विषय रहा है। विद्या बालन की फिल्म बेगम जान का ट्रेलर रिलीज हो गया है और ये ट्रेलर देखकर आप वाकई विद्या के फैन बन जाएंगे। एक बार फिर विद्या ने साबित कर दिया है कि वो एक जबरदस्त एक्ट्रेस हैं और उनकी जगह कोई नहीं ले सकता। बाप भाई बेटा शौहर, बेगम जान की चौखट के उस पार हर मर्द मुर्गा होता है, तीन टांगों वाला मुर्गा। बेगम जान, आज हमारा मुल्क आजाद हुआ है, अब जश्न नहीं मनाएंगे? तवायफ के लिए हर दिन एक जैसा होता है मास्टर, एक बार बत्ती बुझी तो सब एक। बेगम जान कहती है कि सिर्फ जिस्म दी नहीं, साढ़े दिल दी भी कोई कीमत होती है। ये बड़े बड़े सरकारी अफसर हैं, एविक्शन नोटिस लेकर आए हैं। ये कोठा खाली करना होगा बेगम जान, इस कोठे के बीचों बीच हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर निकलेगा। जनाब, आप जिसे जुबान से कोठा और दिमाग में रंडी खाना सोच रहे हैं ना, ये मेरा घर है, मेरा वतन, और इससे पहले कि कोई हमें यहाँ से हटाए, हम उसके हाथ पैर और जिस्म का, वो क्या कहते हैं, पार्टीशन कर देंगे। सरकार की बात मान लो, ये कोठा छोड़ के चली जाओ। औकात तो देखो कुत्तों की, बेगम जान तो आके कह रहे हैं कि कोठा खाली करना पड़ेगा। कोठा नहीं हटवाया तो तार का काम रुक जाए। कुछ मामलों के लिए बेसरकारी मुलाजम भी होते हैं। कबीर, हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी, बोलो किसका काम तमाम करवाना है। बहुत बुरी मौत मरोगी बेगम। अब जो भी हो, भिकमंगों की तरह नहीं, रानी की तरह मरूंगी अपने महल में। ज्यादा से ज्यादा लोग जिंदा रहे, इसलिए कुछ लोगों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। साले, घंटा छोड़ेंगे ये मकान। इस जंग को खत्म किए बिना असी इत्थों नहीं जावांगे। एक महीने का वक्त है, सिर्फ एक महीना।
महीना हमें गिनना आता है साहब, हर बार साला लाल करके जाता है।